हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये आज मैंने माइक्रोन की रस्सियों से टॉवल हैंगर बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने दो कलर की माइक्रोन की रस्सियों का यूज़ किया है और मल्टी कलर के मोतीज और लटकन का लगाया है। इसमें हमने दो छल्ले यूज़ किए, एक 10 इंच का और एक चूड़ी यूज़ करी है 2.5 इंच के छल्ले की जगह पर प्लास्टिक के। तो हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप कोई भी दो कलर की रस्सियाँ जो आप लोगों को अच्छा लगे वो ले लेंगे। 2.5 इंच की चूड़ी, प्लास्टिक की चूड़ी लेना चाहे तो वो ले लें, या फिर कुछ और आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर 2.5 इंच के छल्ले की जगह पर प्लास्टिक की चूड़ी यूज़ करती हूँ। हमारी प्लास्टिक जो चूड़ी होती है वो भी यूज़ हो जाती है और हमारा छल्ला भी बन जाता है टांगने के लिए। अब इस तरीके से ब्राउन कलर की जो रस्सी थी उसको मैंने 3 मीटर में ले लिया है, 3 मीटर की ब्राउन कलर की रस्सी ली। और भी जो भी सामान मैंने बताया आप लोगों को, कुछ अगर कम लगेगा तो मैं उसे अपने स्क्रीन पे लिख दूंगी, आप लोग देख लेना। जो मैंने 3 मीटर की रस्सी ली थी उसे नीचे से ज्वाइन कर लिया है चूड़ी में। जो मैंने चूड़ी ली थी और उसमें एक मोती डाला डबल करके। अब जो मैंने जो धागे और धागे लिए थे वाइट कलर के और ब्राउन कलर के, मैंने दो कलर के धागे इसमें यूज़ किए हैं। 4 धागे एक कलर का यूज़ किया, एक धागा हमारा वाइट कलर का है। अब एक एक करके हम धागों को इस रस्सी में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम वाइट कलर का धागे को डबल करेंगे, डबल करके सिंगल करके जो हमने वाइट ब्राउन कलर की रस्सी है उसमें एक बार रैप करेंगे और दूसरी बार रैप करेंगे। और इसी तरीके से एक में रैप किया और इसी तरीके से फिर हम दूसरे में भी रैप कर देंगे टाइट करके। ये हमने वाइट कलर की रस्सी जोड़ ली है। पहले हम वाइट कलर की रस्सी जोड़ेंगे, बाकी हमारी जो ब्राउन कलर की रस्सी है वो जॉइंट होगी। जिस तरीके से हमने वाइट कलर की रस्सी जोड़ी है उसी तरीके से हम अब ब्राउन कलर की रस्सी जोड़ेंगे। ये भी रस्सियाँ 3-3 मीटर में हैं। अब इस तरीके से मैंने अपनी जितनी भी रस्सियाँ थी उसको ज्वाइंट कर लिया है। 4 ब्राउन कलर की रस्सी जोड़ी है और 1 वाइट कलर की रस्सी जोड़ी है। अब सबसे पहले हम 1 ब्राउन कलर की रस्सी लेंगे, उस पर बाकी की जो रस्सी है उसे एक ही करके रैप करेंगे। पहली ब्राउन कलर की रस्सी हमने ली, डबल बार रैप करेंगे, टाइट रैपिंग करेंगे, ढीली यहाँ रैपिंग नहीं करेंगे, जो हमें टाइट करके रैपिंग करनी है यहाँ पे। अब हम दूसरी रस्सी की भी डबल बार रैपिंग करेंगे। यहाँ पे मैं स्लो स्लो दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लेना। अगर कुछ समझ नहीं आता तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों को वहाँ पे इसके बारे में बता दूँगी। ऐसे तो स्लो स्लो मैंने वीडियो यहाँ लगा रखी है तो आप लोगों को समझ ही आ रहा होगा। अब मैं अपने चैनल पे नए जैसे फिर से वीडियो डालना चालू कर चुकी हूँ तो आप लोगों को रोज़ रोज़ फिर नई वीडियोस मिलेंगी। अब वाइट कलर की रस्सी लेंगे और उसको भी 2 बार साइड से ऊपर रैप किया है उस तरीके से हम पहले रैप करेंगे, फिर वाइट कलर की रस्सी बाहर की साइड से लेंगे और एक बार ऊपर से करके रैप करेंगे। फिर अब फिर नीचे की साइड से करके रैप करेंगे उसी को, फिर से ऊपर की साइड से करके रैप करेंगे, फिर नीचे की साइड से करके रैप करेंगे। ये हमारे पहले 2 बार किया, फिर 2 बार हो गया, ये हमारे 4 बार हो गया। अब ये लास्ट में एक बार ऊपर की साइड से रस्सी को रैप करके फिर हमने उस वाइट कलर की रस्सी को वहीं छोड़ दिया और सेकंड ब्राउन कलर की रस्सी में एक मोती डाला है और उसको फिर जिस पर हमने वाइट कलर की रस्सी रैप की है उसी धागे को घुमा कर रैप करेंगे। टाइट रैप करना है यहाँ पर। जिस धागे में हमने मोती डाला था उस धागे को रैप करने के बाद हम सेकंड धागा थोड़ा ढीला करके रैप करेंगे, फिर उसके बाद एक और धागा जो उसको भी हम उसको पट्टा टाइट करके रैप करेंगे। जो
अब ये तीनों धागे हमारे रैप हो गए हैं। अब इसको फिर से यहीं से हम घुमाएंगे। अब घुमा के जिस तरीके से हमने पहला फूल बनाया है उसी तरीके से हम दूसरा फूल भी बनाएंगे सेम। जैसे मैंने आप लोगों को एक फूल बनाना बताया तो उसी तरीके से मैंने एक साइड 5 फूल और दूसरी साइड भी 5 फूल बना लिए। सेम दोनों साइड 5-5 फूल बना के मैंने तैयार कर लिए। फिर बीच में हम एक मोती डालेंगे और एक और मोती डालेंगे, 2 मोती डालेंगे। अब जो हमारे धागे हैं उसको जैसे हमने ऊपर रैप किया था वैसे ही 1-2 बार करके एक धागे को रैप करेंगे। एक धागे में रैप करना है तो 2 धागे हैं, बीच बीच में हमने मोती डाला है, जिसमें मोती डाला उसमें 2 धागे हैं, तो हमने एक साइड के सारे धागे एक धागे में रैप कर लेने हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं रैप कर रही हूँ। अब इन सारे धागों को नीचे की साइड कर रही हूँ, जिसमें मोती डाला उसको जो सेकेंड धागा है उसका हम राइट साइड जितने भी धागे हैं उनको भी टाइट टाइट करके इसके ऊपर रैप कर लेंगे। मैंने दोनों साइड के धागे रैप कर लिए, उन धागों को नीचे की साइड सब धागों को मैंने कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा डिजाइन को ध्यान से आप लोग देखना, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो डिजाइन हमारा जो है वो खराब हो जाएगा। अब जो मोती डाले वाले धागे हैं उनको दोनों को पकड़ के टाइट करके खींच लेंगे। जो पीछे के सारे धागे हैं अब उनको एक एक करके नीचे की साइड फिर हमें रैप करना है। धागों को हम इकट्ठा करेंगे और वाइट वाले जो धागे से सारे धागों को इकट्ठा करके हम जो वाइट वाला धागा है उससे एक नॉट लगाएंगे। यहाँ पे लगा दिया, स्क्वायर नॉट लगा दिया हमने। अब जो ऊपर धागे हैं ब्राउन कलर वाले दोनों साइड दोनों हमने बराबर बराबर कर लिए। ऊपर से अब एक एक धागे लेके आएंगे, अब उसको रैप करेंगे इसके ऊपर। ऊपर से करके हम एक एक करके धागा लेके आएंगे और बाहर की साइड से करते हुए रैप करेंगे। अंदर की साइड से रैप नहीं करेंगे, बाहर की साइड करते हुए रैप करेंगे। जब हम लोग रैपिंग कर लेंगे और जैसे ऊपर हमने फूल बनाया है उसी तरीके से फिर हम नीचे फूल बनाएंगे सेम। अब देख लीजिए एक तरफ हमारे सारे धागे हो गए और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सारे धागों को हम रैप कर लेंगे ऊपर के चारों। मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताया था पहला फूल बनाया सेम तरीके से मैंने दूसरा फूल बना के जोड़ भी लिया इसमें। अब फिर जो वाइट वाले धागे से अब स्क्वायर नॉट लगाएंगे, 4 स्क्वायर नॉट लगाएंगे हम लोग वाइट वाले धागे से।
स्कैनर लगाने के लिए पहले लेफ्ट साइड का धागा राइट में डाल के निकालते हैं, फिर राइट साइड का लूप बना के लेफ्ट साइड का धागा डाल के निकाल लेते हैं। इस तरीके से चार स्कैनर हमारी ये बन गई। अब जो हमारा 10 इंच का छल रहा है उसके लेंगे हम लोग। उसको लेके इसके बीच में रखेंगे और जो मतलब ब्राउन कलर के धागे हैं उसे ऊपर की साइड जो छका है उसमें हम लोग डाल के निकाल के पीछे की साइड निकालेंगे और उसके बाद वाइट कलर के धागे से फिर से स्कैनर लगाएंगे, एक खींच के निकालेंगे यहाँ पे और फिर एक स्कैनर लगाएंगे हम लोग टाइट। पीछे को धागे को पीछे की साइड करना है छल्ले के। व्हाइट कलर का ब्राउन कलर का धागे को आपस में एक बार रैप एक साइड से रैप करेंगे, एक बार दूसरी साइड से रैप करेंगे, एक बार एक साइड से रैप करेंगे, एक बार दूसरी साइड से रैप करेंगे। दो तीन से तीन बार आप लोग कर लेना, उसके बाद जितनी लंबी आप लोग चाहें काट के उसमें एक एक दोनों साइड लटकन लटका देना। मोती डाल के लगाना चाहे तो मोती डाल के, बिना मोती डाल के लगाना चाहे तो बिना मोती डाल के, आपको जिस तरीके से भी लटकन लटकानी हो उस तरीके से लटकन लटकाएंगे। और जो हमारा छल्ला है पूरे छल्ले को हम लोग रैप करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर लटकन लटका लें, मैंने यहाँ पर सिंपल लटकन लटकाई है और ये पीछे के धागे हैं इनको भी हम सब कैंची की मदद से आपस में मतलब क्रॉस में रैप करके मतलब बंद कर देंगे। उसके बाद जो धागे होंगे बच्चे उनको कैंची की मदद से काट देंगे, पीछे से लाइटर की मदद से सब काट। ये लटकन लटका दिए मैंने मोती डाल के। अब जो हमारा ये क्या बोलते हैं छल्ला, इसमें हम रैप करेंगे। मैंने एक ब्राउन धागा एक वाइट धागा लेके उसे आपस में जॉइंट कर लिया बीच में से लाइटर की मदद से। उसके बाद हम रैपिंग करते हुए जैसे हम रैपिंग करते हैं वैसे ही हम रैपिंग करेंगे सिंपल स्क्वायर नॉट वाली। स्क्वायर नॉट जैसे बनाते हैं हम लोग उस तरीके से स्क्वायर नॉट बनाते हुए पूरे छल्ले को हम लोग रैप कर देंगे इसको। जब हमारा पूरा छल्ला बन के तैयार हो जाएगा, देख लीजिए अब ये पूरा छल्ला रैप हो गया है और इस तरीके से ये हमारा टावर हैंगर बन के तैयार हो गया है। और जो हमारी चूड़ी थी उसको भी मैंने ब्राउन कलर के धागे से रैप कर दिया है, एक बार बाहर के साइड वाला एक बार अंदर के साइड वाले रैपिंग से रैप करके। और इस तरीके से ये हमारा टावर हैंगर बन के तैयार हो गया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की वीडियोज़ और देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।